तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रोटेशनल मोशन की बेसिक बेसिक बातों पे चर्चा की थी और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझा था। तो ट्रांसलेशन मोशन में जो काम आपका बच्चों कौन करता है, मास, वही काम रोटेशनल मोशन में किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का। तो आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था। हमने ये बात बोली थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर कितनी भी तेजी से घूमे, कितने स्लो घूमे, उसका कोई लेना देना नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अलग वैल्यूज है ना। फिर हमने ये देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है, यानी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ही डिफाइन नहीं की जाएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बताने का कोई मतलब नहीं है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजिशन चेंज होगी तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन याद रखना कि इस किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऐड हो सकते हैं, और मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी स्ट्रक्चर का कुछ है और अगर हम उस स्ट्रक्चर को इस तरीके से तोड़े कि उसके जो मासेस की वैल्यूज हैं वो चेंज ना हो, दूरी चेंज ना हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मासेस की जो दूरी है वो चेंज ना हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन सेम। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के बता रहा हूँ, वो आपको लिखना है। तो वन बाई वन करके यहाँ पर लिखते चलते हैं। तो आप हेडिंग डाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दो कॉलम बना लें, दो कॉलम कौन कौन से, तो एक साइड आप लिख लें स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा रहा है, और दूसरी साइड लिख लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कॉलम बना देता हूँ और वन बाई वन करके हम देखते चलते। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, आप सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कल बताया था आपको कि कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए ओ आर, उससे अगर आर दूरी पर एक पॉइंट मास है बच्चों एम, तो आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, इसको सिंपली क्या लिख लेते हो, एम आर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही। फिर सेकेंडली अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं कि मास की दूरी चेंज ना करूं, तो मैंने क्या किया कि आर दूरी पर ही इस मास को चार हिस्सों में तोड़ दिया, एम बाई फोर, फिर उसके ऊपर एम बाई फोर, बट इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी अभी भी आर ही है, फिर नीचे एम बाई फोर, इसकी भी दूरी आर ही है, फिर नीचे एम बाई फोर। तो ऐसे मैंने जो एम मास है उसको चार पार्ट में तोड़ दिया, उन सबका मास एम बाई फोर है, मतलब टोटल मास जो है वो आपका एम ही है, एम ही को मैंने चार पार्ट में तोड़ दिया, बट इनकी दूरी चेंज नहीं की। देखो इस तरीके से रख दिया, जब मैं इस तरीके से इनको रख रहा हूँ, दूरी चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम बाई फोर आर स्क्वायर, 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 तो टोटल जो है वो एम आर स्क्वायर ही मिलेगा। और वैसे भी लॉजिकली कल जो मैंने आपको पॉइंट बताया था पिछली क्लास में, उससे भी आप दे सकते हो कि अगर मैं मास को तोड़ू, जोड़ू, कुछ भी करूं, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी चेंज ना करूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है, तो अभी भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एम आर स्क्वायर ही रहेगा बच्चों। तो अगर सोचो इन सबको जोड़कर अगर मैं एक रॉड बना लूं और उसका टोटल मास अभी भी एम है, तो किसी भी मास की दूरी अभी भी चेंज नहीं हुई। अगर मैं इसको ऐसे ले लेता कि भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और अभी भी जो दूरी है बच्चों वो आर दूरी है, और इन सबको मिला के आप एक रॉड तैयार कर लो जिसका टोटल मास एम है, तो इसके हर जो मास का पॉइंट मास का जो डिस्टेंस है वो आर ही है, तो सब जुड़कर एम आर स्क्वायर ही बनाएगा, तो अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर तो चेंज किया बट मास, किसी भी पॉइंट मास की दूरी चेंज नहीं की एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो अभी भी आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी, तो इस वाले स्ट्रक्चर का रॉड का किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलल रॉड रखी है, पैरेलल ध्यान देना बच्चों, तो उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से एम आर स्क्वायर होता है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। उसके बाद फिर अगर आप फोर्थ पॉइंट पे आ जाएं, तो फोर्थ पॉइंट पे आप देखो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हम रिंग ले लें बच्चों, रिंग, तो ये रिंग है, तो रिंग का मास एम है और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो आर है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ए ओ आर वो यही है, सेंटर, सेंटर, तो सेंटर के अबाउट अगर इस रिंग को घुमाएंगे, सेंटर के अबाउट,
तो देखो इसके हर पॉइंट मास की दूरी डीएम डीएम की आर दूरी है, मतलब दूरी फिक्स है। तो अगर ये दूरी फिक्स है तो टोटल मास इंटू आर स्क्वायर, जैसे पहले हो रहा था, हर पॉइंट मास की दूरी अगर फिक्स है तो एम आर स्क्वायर होता ना, वैसे अगर इस रॉड को आप सोचो कि ऐसे रॉड को बेंड करके पूरा एक सर्कल बना दो एक्सिस से आर दूरी पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके मास की, किसी मास की दूरी चेंज नहीं हुई, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया आपने, इसी रॉड को तो रिंग बना दिया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अगर हम टॉप व्यू देखें तो हर मास की दूरी अभी भी आर है, तो अभी भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है ना, बस कैपिटल आर रेडियस के लिए लिख दिया मैंने, है ना। उसके बाद आप सोचो कि इसी रिंग को, बच्चों ये जो रिंग है इसको स्ट्रेच करके आप एक हॉलो सिलेंडर बना लो, मतलब रिंग है रिंग को फैला लो, तो जब आप हॉलो सिलेंडर बनाओगे तब भी हर मास की दूरी जो है वो आर ही रहेगी, तो दूरी चेंज नहीं होगी, तो हॉलो सिलेंडर का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना रहने वाला है, एम आर स्क्वायर, है ना। तो अब उसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा और यहाँ पे फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तो आपका जो फिफ्थ है वो है हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर में ये रिंग थी ना बच्चों, इस रिंग को ही आपने फैला दिया, शीट बना दी उसकी, तो किसी भी पॉइंट मास की दूरी अभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उससे कितनी दूरी है हर मास की, हर पॉइंट मास की आर, तो मास की दूरी तो चेंज हुई नहीं, जब ये चेंज हुई नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी एम आर स्क्वायर ही है, एम आर स्क्वायर ही। हाँ, लेकिन अगर आप, मैं बोलूं कि हॉलो की जगह सॉलिड सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर और उसके एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखेंगे कितना होता है बच्चों, एम आर स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले नहीं आएंगे तो सवाल नहीं बनेंगे आपसे। और फिर सिक्स्थ, अगर मैं बोलूं कि ये हॉलो सिलेंडर की बजाय ये बच्चों ऐसे सॉलिड सिलेंडर हो जाए, सॉलिड सॉलिड सिलेंडर, तो फिर क्या हुआ। अब देखो बच्चों, मास केवल आर दूरी पे नहीं है, हर एक छोटे 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 छोटी दूरी पे मास है, पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डिस्टेंसेस अब चेंज हो गई है। अब क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई है, पहले सारे मासेस जो थे पॉइंट मासेस वो आर दूरी पे थे, अब ऐसा नहीं है, अब पॉइंट मासेस की दूरी अलग अलग है, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर नहीं होता है। सॉलिड सिलेंडर के केस में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है बच्चों, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है एम आर स्क्वायर बाई टू, याद रखेंगे एम आर स्क्वायर बाई टू। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो अब चेंज हो जाएगा, और चेंज होके ये हो जाता है एम आर स्क्वायर बाई टू। अब सोचो आप इस सॉलिड सिलेंडर को ऐसे दबा के चपटा कर दो तो ये डिस्क बन जाएगा बच्चों, डिस्क। तो जब ये आर रेडियस की डिस्क बनेगी तो इसमें भी अभी सारे पॉइंट मासेस की दूरी सेम रहेगी, चेंज ही नहीं होगी। तो जब इस सॉलिड सिलेंडर को आप दबाकर स्ट्रक्चर को चेंज करके ऐसे डिस्क बना लोगे, डिस्क ऐसे पतली सी डिस्क बना लोगे जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी भी यही है, तो इसके हर पॉइंट मासेस की दूरी वैसे ही है जैसे सिलेंडर में थी। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, टॉप व्यू में ये आपकी डिस्क है बच्चों, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए ओ आर, और ये पूरे मासेस की दूरी पहले जो सॉलिड सिलेंडर में थी अभी वही है, और इसका रेडियस आर है, तो अभी भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू ही रहेगा, एम आर स्क्वायर बाई टू है। तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का जो है, सॉलिड सिलेंडर को चपटा कर दो डिस्क बन जाएगा, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज हुआ है कि मासेस की दूरी चेंज नहीं होगी, तो इसका अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एम आर स्क्वायर बाई टू है। तो डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है आपका बच्चों, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है स्ट्रक्चर के जो आपको याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस बनेंगे, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और मैं लिखवाता हूँ दो चार और, आपको पता होना चाहिए, पहले आप ये जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर और कैसे हैं, तो यहाँ पे फिर से कॉलम बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कॉलम बना लिया हमने, तो इसमें जो सेवंथ स्ट्रक्चर है वो है आपका बच्चों सॉल हॉलो स्फीयर है ना, तो यहाँ पे ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। तो इस हॉलो स्फीयर का इसके डायमीटर के अबाउट, डायमीटर को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें, डायमीटर कैसी भी लो,
ऐसी ले लो, ऐसी ले लो, ऐसी ले लो, तो डायमीटर कोई भी डायमीटर ऐसी ले लो, तो स्फीयर जो है सिमेट्रिक होता है, तो किसी भी डायमीटर के अबाउट जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो एक ही आंसर आता है, डेट इज हॉलो हेमिस्फीयर में अगर इसका रेडियस जो है बच्चों कितना ले लिया जाए आर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है भाई 2/3 mr², 2/3 mr². फिर उसके बाद एट्थ जो है, हॉलो के बाद आपको पता है कि सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, तो जो सॉलिड स्फीयर होता है बच्चों, तो सॉलिड स्फीयर का भी डायमीटर के अबाउट, किसी भी डायमीटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो, तो इसका मास m है और रेडियस अगर r है तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होगा। ये थोड़े से रटने पड़ेंगे आपको, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बाकी तो याद रहते हैं, यही भूलता है बच्चा अगर भूलता है। उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको चाहिए तो हॉलो कोन का याद रखो, तो इस तरीके से हॉलो कोन, हॉलो कोन का इस हाइट के अबाउट, इसको अगर अपन ने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है और ये रेडियस आर है ना बच्चों, और मास एम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही डिस्क वाला mr² / 2। अगर सोचो आपके पास बच्चों ऐसे डिस्क है, पहले ये डिस्क थी और इस डिस्क के इस पॉइंट को, सेंटर वाले पॉइंट को ऐसे ऊपर उठा दो तो ये कोन बन जाएगा ना, होलो कोन, डिस्क को ही उठा दो तो होलो कोन बन जाएगा, तो इसके जो हर पॉइंट पास की दूरी है वो चेंज नहीं होगी, तो डिस्क से ही होलो कोन बनाया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मासेस। तो इसका मतलब जो डिस्क का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होलो कोन का है, तो होलो कोन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो mr² / 2 हो जाता है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं रिलेशन, इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट बताया हुआ था पिछली क्लास में। तो 10th वाला है सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन का भी बच्चों किसके अबाउट, हाइट के अबाउट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये रेडियस आर है, मास एम है, सॉलिड कोन है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए आई इज इक्वल्स टू mr² / 10, 3 mr² / 10 है ना बच्चों, याद रखेंगे 3 mr² / 10। तो ये कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले हैं बच्चों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड सवाल आते हैं। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्ट्रक्चर कैसे आते हैं, तो वो उनके एक डेरिवेशंस हैं, जैसे आपने सेंटर ऑफ मास में डेरिवेशंस देखे हैं वैसे ही डेरिवेशंस इनके लिए भी है, लेकिन इनके डेरिवेशंस का एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा तो आप उसको देख लीजिएगा, हालांकि डेरिवेशंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ अगर आपको सीखना है कि कैसे निकाला जाता है तो आप उसको देख सकते हो, देखने में कोई बुराई नहीं है, तो उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा है ना, तो एक पूरे लेक्चर में हम केवल केवल डेरिवेशन डेरिवेशन इंक्लूड कर देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी तो आप केवल इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज और एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है ना, ये पता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद होना ही चाहिए, साथ में ये याद होना चाहिए कि उस स्ट्रक्चर का किस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मुलेस जो है वो क्लियर है, तो इनको जरूर बच्चों रटना है ना, उसमें बिल्कुल भी कमी मत आने देना, अगर आप याद मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद ही नहीं होगा तो रोटेशनल मोशन का कोई सवाल नहीं बनेगा आपको, बेसिक ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सीक्वेंस गलत हो गया, पिछले वाले में 8 हो गए थे, शायद 7 हो गए थे, तो 7 के बाद ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ठीक है, तो कर लीजिएगा, बाकी याद रहने से मतलब है, इसको याद जरूर कर लो है ना। देखिए बच्चों मैं आपको कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रॉड का हमने देखा था कि अगर वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन आर दूरी पर है तो mr² होता है सिंपली, लेकिन उनके किसी और एक्सिस पे भी आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसको कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लिखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, तो अब हम एक्सिस चेंज करने वाले हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सिस जब चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता है, अब उसको कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें दो केसेस मैं आपको बताता हूं। पहला केस ये जो है बच्चों, यहां पर ये मान लो ये रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, और ये रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए ओ आर, मतलब इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है,
पिछले बार जो हमने इसमें स्ट्रक्चर में देखा था उसमें रॉड के पैरेलल यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन थी ऐसे आर दूरी पे, तो उसका एम आर स्क्वायर हो गया था। लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एक एंड पे है और इस एंड के अबाउट ये रॉड घुमाई जा रही है, तो इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन जब आपको बता दिया गया, तो इसको निकालने का तरीका क्या है बच्चों, क्योंकि इस रॉड का जितने भी मासेज हैं उनकी दूरी सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लिख नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होता है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट मास मान लो एक दो ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में इसको तोड़ दो, तो अगर आप इनफिनाइट टुकड़ों में तोड़ दोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डीएम का इनर्शिया, इस डीएम का इनर्शिया, इस डीएम का इनर्शिया लिखो और जोड़ो, तो इनफिनाइट टर्म्स को जब जोड़ोगे तो आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। लेकिन इनफिनाइट चीजों को जोड़ने का तरीका क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो जहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम आना है वो तो आपको समझ में आता है अब कि वहां पे बिना इंटीग्रेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लगा मिलेगा। इसका मतलब हमें पहले एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, फिर ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनंत टुकड़ों के जोड़ोगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। अब वो छोटे से टुकड़े को मानने का तरीका क्या है, तो आपको कई बार बोला गया यहां से आप लैम्डा लिख सकते हो बच्चों, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब हम सेंटर ऑफ मास में देख चुके हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पे जाके रॉड को तोड़ने का तरीका है, एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट मान लो, तो एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट माना तो इसका जो छोटा सा मास होगा वो डीएम होगा, तो छोटे से मास डीएम को लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू डीएक्स, ये सब हमने सीखा है बच्चों सेंटर ऑफ मास में। तो दोबारा बताने का एक्सप्लेन करने का मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है। और एम बाई एल इंटू डीएक्स, अब हमें तो इस छोटे से मास का जो एक्स दूरी के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे और ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो इस छोटे से मास का डीएम का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीआई ये कितना होगा बच्चों, तो हमें पता है पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर की जगह एक्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो डीएम की वैल्यू अगर आप अप्लाई करोगे तो एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर में पहले लिख लेता हूँ इंटू डीएक्स। अब अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो एम बाई एल कॉमन है कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर दो भाई, ऐसे सारे पॉइंट एलिमेंट्स को जोड़ दोगे तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ के टोटल मिल जाएगा। और इन्फिनाइट चीजों को जोड़ने का तरीका मैथ्स ने हमें दिया इंटीग्रेशन लिमिट। तो ये जो डीएम मास है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो थी वहां से स्टार्ट होके लास्ट वाले पॉइंट तक जाना है, तो एल दूरी तक, तो जीरो से एल कर दो भाई। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर जो होगा वो एल क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, है ना बच्चों, सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट पुट करोगे तो एल क्यूब बाई थ्री, तो यहां से एल और ये एल कैंसिल तो एल स्क्वायर, तो देखो ये आ गया एम एल स्क्वायर बाई थ्री। याद रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज होगा ये, बहुत यूज होने वाला है, तो इसको तो आप याद ही रखो भाई। मैंने आपको प्रोसेस कर ऐसे ही जितने भी ये सब लिखे ना डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के, ये ऐसे ही डिराइव होते हैं। आगे चल के जब आप डेरिवेशन वीडियो मिल जाएगा तो आप उसमें देख लेना, बस मैंने आपको एक तरीका बताया, या फिर आप अभी खुद से ट्राई कर लो एक बार पहले फिर आप देख लेना। तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, तो किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एंड के अबाउट, किसी भी एक एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है बच्चों, है ना, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, इसी में सेकंड केस भी किया जा सकता है। सेकंड केस में क्या करेंगे कि आपसे ये बोल सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड का तो निकालना है जिसका मास एम है लेंथ एल है, लेकिन मिड पॉइंट के अबाउट निकालना है। अब इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मिड पॉइंट, तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज हो गई है, तो मुझे ये पता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन जैसे ही चेंज हुई इसका मतलब ये पक्का है कि यहां पर क्या चेंज होगा, यहां पर बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, है ना। अब फिर से निकालें तो ये दूरी एल है तो मिड पॉइंट है, तो आपको पता है ये दूरी एल बाई टू हो जाएगी और ये दूरी भी एल बाई टू हो जाएगी, है ना, ऐसे। और फिर से वही बात है कि रॉड को तोड़ने का तरीका क्या है बच्चों, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पे जाके डीएक्स ले लो, फिर से आप डीएम ऐसे ही लिखोगे यहां पर जो छोटा सा डीएम होगा लैम्डा डीएक्स एम बाई एल इंटू डीएक्स, और फिर छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही लिखोगे, तो इसमें भी लिखने पे आपका यहां तक तो प्रोसेस सेम है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा एम बाई एल बाहर आ जाएगा एम बाई एल, और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स, सेम वही प्रोसेस है, आप समझ पा रहे होंगे, करके देख लेना, डीएम भी वैसी आएगा लैम्डा भी वैसी आएगा सब कुछ वैसी आएगा। फिर इसके बाद लिमिट में अंतर आएगा बच्चों, पहले लिमिट जो थी वो जीरो से एल ले ली थी क्योंकि एंड पे था, लेकिन यहाँ पे एक्स अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है तो इस एंड पे एल बाई टू है, लेकिन ये वाली रॉड भी तो कवर करनी है, तो इस तरफ जाने के लिए आपको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा,
तो यहाँ पे कितनी दूरी पे जाओगे, नेगेटिव डायरेक्शन कितनी दूरी पे आओगे, एल बाई टू। तो एल बाई टू से लेकर पॉजिटिव डायरेक्शन में एल बाई टू तक जाना है, तब आपकी पूरी रॉड कंप्लीट होगी। तो अगर आप इधर एल बाई टू से लेकर इधर एल बाई टू तक जा रहे हो, तो एक एल बाई टू नेगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आपको यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी बच्चों, सेवल ये अंतर आएगा माइनस एल बाई टू से लेकर एल बाई टू। अब जब माइनस एल बाई टू से लेकर एल बाई टू आप लगाओगे और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, आप लिमिट लगाना सॉल्व करना ये आपका काम है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये भी याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है, रॉड के दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अब आपको शायद समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना चाहिए, है ना। तो एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 और मिड पॉइंट के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, है ना बच्चों। तो भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। देखिए बच्चों, यहां पर आपसे कभी कभी पूछ सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है तो आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास बच्चों इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लेट, जिसकी अगर हम विड्थ की बात करें तो मान लो इसकी विड्थ जो है वो ए है, और इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है बच्चों वो मान लीजिए कि बी है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसा है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ना बच्चों। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे बताओगे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो बच्चों जैसे मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया कि अगर आप स्ट्रक्चर ऐसे चेंज करो कि उस स्ट्रक्चर के मासेस की दूरी चेंज ना हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और ये पॉइंट जो है कई बार आपको कैलकुलेशन से बचा लेगा। देखो अगर आपको करना है बेसिकली इस सवाल को सॉल्व, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स पे जाके ऐसी स्ट्रिप माननी पड़ेगी डीएक्स की, फिर छोटा सा मास डीएम निकालना पड़ेगा, जो डीए एरिया होगा सिग्मा इंटू डीए लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिग्मा है, रेक्टेंगुलर प्लेट है ना। और फिर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस बी बाई टू से लेकर बी बाई टू तक। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन अगर हमें लॉजिकली चीजें पता है तो हम इंटीग्रेशन करें ही क्यों। देखो इसको निकालने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है कि मैं स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज करूं कि मासेस की दूरी चेंज ना हो, तो कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ही नहीं होता। अब अगर आप सोचो कि मैं ऐसा करता हूं बच्चों कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट को मिड पॉइंट के अबाउट, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक लाइन के अबाउट इसको मैं फोल्ड कर देता हूं, इसको आप फोल्ड कर दो जरा। फोल्ड करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, अगर मान लीजिए पहले यहाँ पे M1 मास था, तो जब आप फोल्ड करोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से M2 मास था, तो ये चेंज थोड़ी ना होगा। आप जब इसको फोल्ड कर दोगे तो फोल्ड करके जो रिजल्ट आएगा वो ये हो जाएगा भाई, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका ए बाई टू हो जाएगा, और ये दूरी अभी भी बी रहेगी और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। तो इसको ऐसे फोल्ड किया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी पहले M1 की थी अभी भी उतनी है, R1 मान लो, ये R1 मान लो, और जो दूरी M2 की थी वो अभी भी उतनी है, R2 मान लो। तो ये चेंज थोड़ी ना हुआ है ऐसे फोल्ड करने पे, फिर से फोल्ड कर दो तो फिर ये ऐसे बन जाएगा रेक्टेंगुलर शीट, अभी भी कोई भी मास की दूरी चेंज नहीं हुई, लेकिन ये a/4 होगा। ऐसे फोल्ड करते जाओ डॉट 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 डॉट, जब बहुत बार कर दोगे तो इसकी विड्थ जो है a/4 ये नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, ये रॉड में, रॉड में जिसका सेंटर के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जिसकी लेंथ कितनी बची बच्चों, बी बी बी, और इसका मास अभी भी कितना है, टोटल एम। और ऐसे कन्वर्जन में इस रॉड को, जब इस रेक्टेंगुलर शीट को रॉड में कन्वर्ट कर दिया गया, तो मासेस की दूरी चेंज नहीं हुई है, यानी इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर के अबाउट, वही रेक्टेंगुलर प्लेट का। और ये तो हम जानते हैं ना भाई कि अगर एल लेंथ की रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर एक्सिस, अगर सेंटर के अबाउट है तो ML स्क्वायर बाई 12, यहाँ पे L की जगह B आ गया। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो MB स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, L की जगह B आ गया। तो देखो बच्चों लॉजिकली निकाल लिया, आपको सॉल्व ही नहीं करना, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट बताया था। और ये पॉइंट कई जगहों पे काम आता है, तो आपको कैलकुलेशन से बचा लेता है ना, तो लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से आपको
क्लियर होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से कैसे निकाला जाता है ना। तो आपके पास एक सोच होनी चाहिए इस तरीके की, ताकि आप जल्द से जल्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले सवाल कम आते हैं। ज्यादा सवाल जो होते हैं वो जो अभी टॉर्क आएगा, पावर आएगा, वर्क आएगा रोटेशनल मोशन में, वहां पे जब फॉर्मूले यूज होते हैं तो सोचो मास का रोल कौन निभा रहा है आपका, बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप पूरे ट्रांसलेशन मोशन को देखो, जितने भी फॉर्मूले थे वहां कहीं ना कहीं मास का इंक्लूजन था। बिना मास के आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते थे ट्रांसलेशन मोशन के, चाहे एलएलएम पढ़ा हो, चाहे वर्क एनर्जी पढ़ा हो, चाहे कुछ भी पढ़ा हो। तो यहाँ पे भी तो वो मास का यूज होगा रोटेशनल में, लेकिन यहाँ पे मास की जगह कौन लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उन सारे सवालों में, फिर से उन सारे कॉन्सेप्ट में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा। तो जब उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा तो वो सवाल वर्क का होगा, लेकिन उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्ट होगा निकालना। तो आपको एक एक लाइन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आना चाहिए, देखकर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए, तभी तो आप सवाल जल्दी सॉल्व करोगे। नहीं तो सवाल तो सॉल्व ही नहीं होगा, बहुत सारा टाइम आप लगा दोगे अगर केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही फंस गए, है ना। तो ये बात अभी आपको ध्यान देना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो सीखना है, लेकिन उसको जल्दी कैसे निकालें, इन चीजों पे भी हमें ध्यान देना है, ताकि बड़ा सवाल जब आए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप चुटकी बजा के निकाल लो, है ना। और बाकी फॉर्मूले तो याद ही रहेंगे, आप उनको सॉल्व करें, है ना। तो आई होप आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ थ्योरम है जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने में बड़े काम आते हैं। तो आप लिखो थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना बच्चों। तो ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं भाई। तो देखिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो आप ये लिख सकते हो थ्योरम्स में कि व्हेन व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन देन वी कैन फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस ऑफ रोटेशन अनदर एक्सिस ऑफ रोटेशन अनदर एक्सिस ऑफ रोटेशन यूजिंग टू थ्योरम्स। फर्स्ट एक को बोला जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये याद रखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम 1D ऑब्जेक्ट्स, 2D ऑब्जेक्ट्स, 3D ऑब्जेक्ट्स, इन सब के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों। जो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आपका 1D जो है, चाहे आपका 2D हो, चाहे आपका 3D हो, इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। कौन सा थ्योरम बच्चों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। फिर आता है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, सेकंड आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दो थ्योरम्स होते हैं, तो ये भी आपका एप्लीकेबल है बच्चों, है ना। तो याद रखेंगे कि ये जो एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है ना। तो ये 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान देंगे। 1D के लिए भी आप नहीं लगा सकते, इसको केवल 2D जो होते हैं स्ट्रक्चर्स उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सा थ्योरम बच्चों? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों बातें क्लियर होंगी। इसके बाद ये वन बाई वन करके हम डिस्कस करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। तो पहले इतना नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। तो देखिए बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले तो यहां पे फर्स्ट आप डालोगे
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किसी भी एक एक्सिस के अबाउट अगर आपको क्या पता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो आप इन थ्योरम्स का यूज करके। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर सोचो कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो बच्चों कि मान लीजिए कि आपका ये डिस्क है, अभी डिस्क का हमें ये तो पता है कि अगर इसके सेंटर के अबाउट है, जैसे ये एक एक्सिस है, ऐसे मान लेते हैं जैसे डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ये सेंटर ऑफ मास भी है, तो आप ये बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर बाई टू है। लेकिन अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके बिल्कुल एंड पे आर दूरी पर इस एक्सिस के अबाउट, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा पूरा, अगर डेरिवेशन करने पे आए तो इसका डेरिवेशन बहुत टफ हो जाता है और इसका इंटीग्रेशन भी बड़ा खतरनाक होगा, आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे इसको आप। तो इस तरीके से ये बहुत ही लेंदी होगा निकालना और बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो ना, तो बिना इंटीग्रेशन के बहुत आसानी से ये आंसर दे देगा। अब कैसे, वो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं कि थ्योरम क्या चीज आसान करता है। थ्योरम हमें बहुत कैलकुलेशन से बचा लेता है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्सिस में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, तो थ्योरम से बिना कैलकुलेशन के, बहुत आसान कैलकुलेशन से हम क्या कर सकते हैं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, अगर एक एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, उसको अब हम देख लेते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि कोई भी आपकी बॉडी हो, इस तरीके से कोई भी आपकी ऐसे बच्चों बॉडी है, लेट्स सपोज है ना, 1D 2D 3D कुछ भी हो सकती है, और उसका कहीं तो सेंटर ऑफ मास है, तो ये इसका बच्चों सेंटर ऑफ मास है। तो यहां से ये एक्सिस के अबाउट अगर आपको पता है किसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हमें नोन है, ये हमें पता है किसी बॉडी का। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है उसके अबाउट हमें सेंटर ऑफ मास का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आईसीएम, और हमें इसके एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऐसे। लेकिन ये पैरेलल होनी चाहिए तभी इसका नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये ऐसे इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो अगर मेरी एक्सिस ऐसी है तो मुझे इसके पैरेलल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ये कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके अबाउट फिर आप जो ये अननोन एक्सिस है जिसके अबाउट सेंटर ऑफ मास पता नहीं है वो आप निकाल सकते हो अगर आईसीएम पता है। और मान लीजिए कि इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में एक वो एक्सिस जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एक वो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लो बच्चों कितना है, डी, उसको हम मान लेते हैं कि वो कितना है बच्चों, डी है। अब अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आई के अबाउट, तो आई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कैसे लिखोगे आप, तो आप ध्यान से देखो इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, दैट इज एम आई, मतलब एम वन एम टू एम थ्री इन्फिनिटी, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है ना यहाँ पर, एम वन एम टू एम थ्री, तो उसको मैं एम आई लिख रहा हूँ, और सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर दूरी है इसकी मान लो आर आई है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस मास की दूरी कितनी हो गई, डी प्लस आर आई, इसमें तो कोई शक नहीं है ना बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या लिख सकते हो भाई, हम लिखेंगे एम वन आर वन स्क्वायर, कोई भी एम वन मास हो, फिर एम टू, और सेंटर ऑफ मास से उसकी दूरी आर टू, तो एम टू इंटू आर टू स्क्वायर, और ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट बाई जोड़ेंगे। अच्छा इसको समेशन के फॉर्म में लिखें तो इसको समेशन ऐसा लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वन टू एन इंटू एम आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर, आर आई का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, शॉर्ट में, शॉर्ट में इसको समेशन के फॉर्म में, है ना। मेरे ख्याल से आपको समेशन लिखना आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसा ही काम अगर इसके लिए करना है आपको, आई के अबाउट किसी भी आई मास का, किसी भी एम वन एम टू एम थ्री मास का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम आई, कैसे लिखेंगे आई जो दूसरी एक्सिस है जिसके अबाउट निकालना है, तो उसको लिखा जाएगा बच्चों एम आई एम वन, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, आर वन प्लस डी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से इसकी डी है, तो एम वन मास की इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, आर वन प्लस डी, एम टू की आर टू प्लस डी, तो हम यहां पे लिख सकते हैं आर वन प्लस डी का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस एम टू इंटू आर टू प्लस डी का होल स्क्वायर, और क्या ऐसे डॉट 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 चलता जाएगा। तो इसको भी अगर आप समेशन के फॉर्म में लिखें, तो बच्चों इसको समेशन के फॉर्म में कैसा लिखा जा सकता है, आई इज इक्वल टू वन टू एन,
और यहाँ पे एम आई इंटू आर आई प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन को आप एक्सपांड कर सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो इसको लिखा जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई बी ब्रैकेट में आ जाएगा आर आई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 mi आर आई। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये समझ में आती है आपको बात। और फिर इस ब्रैकेट को ओपन कर दो जरा, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to n, तो यहां पे लिखा जाएगा एम आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n 1 to n एम आई इंटू डी का स्क्वायर, डी कांस्टेंट है बच्चों, है ना। फिर उसके बाद लिखा जा सकता है प्लस यहां पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर और निकाल लो, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 into n। अच्छा यहाँ पे डी भी कांस्टेंट है तो डी स्क्वायर भी बाहर निकाल सकते हो आप, तो ये समेशन एन टू एन और ये आ जाएगा एम आई इंटू आर आई। देखो बच्चों एम आई इंटू आर आई, अब आप ध्यान से देखो यहां पर ये जो चीज है ये क्या है बच्चों, समेशन ऑफ एम आई 1 to n, तो ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि दिस इज द टोटल मास ऑफ दिस बॉडी कैपिटल m। समेशन एम आई क्या है भाई, टोटल मास ऑफ द बॉडी है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, तो देखो ये आईसीएम है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट, तो आप इसको लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस बिकम टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू डी स्क्वायर। डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, वन एक्सिस फ्रॉम इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड अदर एक्सिस इज पासिंग थ्रू एनी अदर पॉइंट व्हिच इज पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए वो जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। प्लस यहां पे बच्चों 2 समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 into n एम आई इंटू आर आई। अब बच्चों ये जो क्वांटिटी है ना समेशन एम आई इंटू आर आई, इसको ध्यान से देखें, जब आप इसको देखेंगे कि ये समेशन जो है एन इक्वल्स टू 1 i इज इक्वल टू 1 into n और ये एम आई इंटू आर आई है, तो ये जो है ये जीरो आएगा बच्चों, इसका वैल्यू जीरो है। अब ये जीरो क्यों है, अब एक चीज आप याद करो सेंटर ऑफ मास से, देखो ये एम आई आर आई जी का जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है याद करो, इसको मैंने कहा था मोमेंट मास मोमेंट, याद होगा आपको, ये मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट, अब आपको याद होना चाहिए किसी भी बॉडी में किसी भी मास का जो सेंटर ऑफ मास से दूरी होती है उसका प्रोडक्ट अगर आप करोगे एम वन इंटू आर वन या एम इंटू आर, तो वो बच्चों क्या था इसको बोलते थे मास मूवमेंट, अगर आपको याद हो मास मूवमेंट। और मैंने आपको बताया था कि जब सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं खिसकेगा ही नहीं, तो ये जब बॉडी रोटेट कर रही है इसमें सेंटर ऑफ मास का जो बॉडी बॉडी में जो पोजीशन है वो तो हमेशा वही पोजीशन रहेगी, डी दूरी पे ही रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही। और जब सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो बच्चों याद करो मैंने आपको बताया था एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री ये सब क्या हो जाते थे जीरो, याद करें बच्चों आप ये सब क्या हो जाते थे जीरो। तो यहां पे अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, उसकी एक्सिस से दूरी हमेशा बॉडी में फिक्स डिस्टेंस है, वो पोजिशन हमेशा फिक्स्ड है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना भी मास मोमेंट होता है उन सभी का सम जीरो होता है। और इसी को तो लिख सकते हो आप, इसको मैं यहाँ पे एम वन आर वन लिख रहा हूँ क्योंकि आर वन इज द दूरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आर टू इज द दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे एम आई आर आई जो समीशन है वो तो यही है ना, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, यानी ये जीरो इसलिए हुआ बिकॉज 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 द सम ऑफ मास मूवमेंट्स द सम ऑफ मास मूवमेंट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज जीरो। तो मास मोमेंट जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट है ना, मास मोमेंट्स अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख लो, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, तो वो जीरो होना चाहिए। ये हम पहले सेंटर ऑफ मास में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं है कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो आप इस चीज को जीरो कर दो। तो देखो जो आई हमें चाहिए था रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो वो आई कितना आया, ये आया आई सी एम प्लस एम टोटल मास इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस
ऑफ रोटेशन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस वेयर वी हैव टू फाइंड पैरेलल एक्सिस वेयर वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट एंड दिस लॉ इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसी को पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहा जाता है. अब देखो इस सवाल का अगर आपको आंसर देना है तो कितने आसानी से आंसर आ जाएगा. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं. आपको आईसीएम पता है एमआर स्क्वायर बाई टू और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी की क्या वैल्यू यहाँ पे आर आइडेंटिफाई कर लिए. तो इसके अबाउट जो आई है तो आई को आप लिख सकते हो ना आईसीएम इंटू दोनों एक्सिस पैरेलल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है तो प्लस टोटल मास ऑफ बॉडी इंटू आर स्क्वायर. डी की जगह आर है तो एम डी स्क्वायर लिखते हैं. आईसीएम क्या है बच्चों एम आर स्क्वायर बाई टू इसको इक्वल्स टू प्लस एम आर स्क्वायर. तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा बच्चों तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 3 mr² / 2. देखो कितनी आसानी से आंसर आ जाता है बिना कोई लंबी कैलकुलेशन किए बिना इंटीग्रेशन किए बिना उसको सोचे कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे. तो ये डायरेक्ट ये तो मैंने आपको पूरा प्रूफ बताया. प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बता दिया. कभी कभी बच्चे पूछने लगते हैं कि सर कैसे. बाकी आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि कभी भी किसी एक्सिस अगर आपको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप किसी भी दूसरी उसके पैरेलल एक्सिस से आप क्या निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अगर उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू डी स्क्वायर वेयर डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस है ना बच्चों. तो इसी को स्टेटमेंट में उन्होंने लिख दिया है जिसको थ्योरम बोलते हैं. तो मैं अब आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखवा देता हूं. तो इसमें बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर एक्सिस which is passing through center of mass of body and parallel body and parallel center of mass body and parallel to previous axis parallel to previous axis. मतलब यहां पे लिख सकते हो moment of inertia of body about any axis is equal to the सम लिख लो बच्चों. यहां पे सम मतलब जोड़ेंगे ना तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास दैट इज आईसीएम और बॉडी व्हिच इज पैरेलल टू प्रीवियस एक्सिस. मतलब सेंटर ऑफ मास से वो एक्सिस लेना है जो जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो उसके पैरेलल पास होनी चाहिए है ना पैरेलल टू प्रीवियस एक्सिस. एंड तो किस किस का सम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ total mass and square of the perpendicular distance between two parallel axis. तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगा. जो यहाँ पे ये लिखा है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया यानी कि आई मस्ट बी इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर और ये इस चीज का बच्चों यहां से प्रूफ है. तो प्रूफ मैंने आपको पहले करा दिया फिर स्टेटमेंट बताया ताकि बच्चों आपको समझ में आए. तो आई होप आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है उसमें क्लैरिटी होगी समझ में आया. देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक गड़बड़ हुआ. 2 mir थी ये डी है डी क्योंकि आर प्लस डी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे डी आएगा फिर बाद में यहाँ पे एम आई आएगा तो डी भी आएगा एम आई आर आई डी. लेकिन इस डी को कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर ले सकते हो आप. तो कॉन्स्टेंट बाहर है लेकिन इस पूरे की वैल्यू ही जीरो है ना तो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा ना. तो यहाँ पे डी थोड़ा सा मिसिंग हो गया था उसको आप इंक्लूड कर लेना ना. तो
यहाँ पे डी, तो इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसे छोटे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सारे, तो अगर आपने ढंग से समझाया तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें उन्होंने बोला कि एक बच्चों सॉलिड स्फीयर दिया गया है, सॉलिड स्फीयर, और ये सॉलिड स्फीयर जो है इसका भाई सेंटर से आपसे r बाई टू दूरी पर, अगर इसका मास m है रेडियस r है, तो r बाई टू दूरी पर एक एक्सिस ऐसे ली गई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सॉलिड स्फीयर में, और आपको इस एक्सिस के अबाउट उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है कि कितना होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, लेकिन इसकी पैरेलल एक्सिस जो है, जो सेंटर ऑफ मास से पास होता है सॉलिड स्फीयर के, ये आईसीएम तो पता है ना। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्फीयर में किसी भी डायमीटर के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंटर ऑफ मास से ही पास होता है, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है डायमीटर, है ना। तो आईसीएम आपको पता है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो आईसीएम जो है वो कितना है बच्चों? इसका फॉर्मूला अभी लिखवाया था, 2mr² / 5। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और 2mr² / 5 है आईसीएम, और तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी आइडेंटिफाई कर लो। तो डी की वैल्यू तो r/2 है ना, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है आईसीएम से पैरेलल है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r/2 है। तो यहां पर आप किसका यूज करें बच्चों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम पुट करते हो तो i = ICM + MD² तो ICM है 2mr² / 5 प्लस एम डी की वैल्यू है r/2, तो r/2 इज r² / 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो mr² / 4 है ना बच्चों। अब आप एलसीएम वगैरह लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे ख्याल से 20, है ना, और 20 आएगा तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 5 ये, हाँ 8 + 5 13, तो आ गया 13mr² / 20। तो देखो कितने आसानी से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इस टाइप के सवाल करने आने चाहिए। तो देखिए बच्चों, सेकंड जो थ्योरम है हमारे वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसमें याद रखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, 2D, 1D, 3D, बट यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो केवल 1D और 2D के लिए एप्लीकेबल होता है, 3D के लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, वहां पे फिर वो सही रिजल्ट नहीं देता, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि 1D और 2D में ही लगाना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, 3D ऑब्जेक्ट्स में नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी 2D बॉडी है ना बच्चों, और इसके किसी भी एक्सिस के अबाउट मान लो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मान लो ये एक्स एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस उसी प्लेन में जो प्लेन है बॉडी का उसके अबाउट भी पता है आपको वाई, लेकिन आपसे पूछा है ऐसी एक्सिस जो उससे परपेंडिकुलर है दैट इज जेड, जेड एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, यानी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट पता है, आपको वाई एक्सिस के अबाउट भी पता है, लेकिन आपको जेड एक्सिस के अबाउट नहीं पता, लेकिन एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर और जेड भी उससे परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसमें तीनों एक्सिस जो होती हैं एक्स वाई और जेड किसी भी एक पॉइंट से, वो तीनों एक्सिस जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए और एक एक्सिस बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना, इस बात का ध्यान रखना, तब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगता है। तो आपको अगर इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो आप कैसे निकालोगे भाई? तो यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लो MI, M1, M2, M3, तो कोई भी हम पॉइंट ले MI, उसकी दूरी जो है जेड एक्सिस से मान लो वो है RI, और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई उसकी दूरी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है तो ये हो जाएगा XI, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर कितनी दूरी पे है तो ये हो जाएगा YI, तो ये हो गया RI, और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से उसी पॉइंट का वो है एक्स आई, और एक्स एक्सिस से जो उसकी दूरी है वो है वाई आई, है ना बच्चों। तो
तो अगर मुझे आई एक्स लिखना हो तो आई एक्स कैसे लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा समेशन एम आई मतलब आई इज इक्वल्स टू 1 to n इनटू, यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एम आई की, तो वो है वाई आई, तो ये वाई आई का स्क्वायर। वैसे ही अगर मुझे आई वाई लिखना है तो आई वाई क्या लिखूंगा बच्चों, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यहां पे एम आई इंटू वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर दूरी क्या है एक्स आई, तो ये हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर। फिर आप जेड के एक्सिस के अबाउट लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आर आई, आर आई, तो ये हो जाएगा आर आई का स्क्वायर। अब यहां पे देखो बच्चों, अगर ये टू डायमेंशनल फिगर है तो एक्स आई वाई आई आर आई, तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आर आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई आई का स्क्वायर प्लस एक्स आई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद, है ना। और फिर ये क्या करो कि आपने अभी देखा कि आई जेड की क्या वैल्यू है, आई जेड तो यह है समेशन एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, तो आर आई स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दो, तो समेशन एम आई इंटू आर आई, तो आर आई हो जाएगा वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। तो यहां से अगर आप आई जेड लिखेंगे तो आई जेड जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो समेशन एम आई इंटू वाई आई का स्क्वायर प्लस समेशन एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। समेशन एम आई इंटू वाई आई का स्क्वायर क्या है, आई एक्स, आई एक्स, तो यहां पे आप लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर क्या है आई वाई, तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस चाहिए तो आप ऐसी दो एक्सिस बनाओ जो जेड के परपेंडिकुलर हो और वो आपस में परपेंडिकुलर हो और वो बॉडी के प्लेन में हो, तो जेड एक्सिस के अबाउट जो उस बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली में दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर है जो प्लेन में परपेंडिकुलर है, बॉडी के प्लेन में परपेंडिकुलर, इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई होप आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर होगा बच्चों। तो इसकी स्टेटमेंट चाहे तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो यहां पे आप लिखा जा सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर बॉडी, ऑफ प्लेनर बॉडी, ऑफ प्लेनर बॉडी अबाउट अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी, परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी, लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको स्टेटमेंट अब क्लियर है, क्योंकि जो ये लिखा है इसी को आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का भी मैंने प्रूफ बता दिया और स्टेटमेंट बता दिया, है ना, तो इसको याद रखेंगे। देखो बच्चों, ये 1D 2D जो है इसका मतलब ये नहीं है कि 1D 2D 3D एक्सिस के लिए लिया गया है, आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो 3D हो गया, 3D स्ट्रक्चर नहीं है ये, 1D और 2D स्ट्रक्चर्स के लिए लिखा गया है। एक्सिस तो मैं तीनों डायमेंशन ले रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मैं कहीं भी ले सकता हूं ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन का थोड़ी ना तुम 2D में ही लोगे, मतलब एक ही एक्सिस लोगे, तो इस प्लेन में भी एक्सिस ली जा सकती है बॉडी के, और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर भी एक्सिस ली जा सकती है, तो एक्सिस तो आप कहीं भी ले सकते हो थ्री डायमेंशनल स्पेस में, जैसे चाहे वैसी मर्जी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर्स जो हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उन स्ट्रक्चर्स का डायमेंशन 1 या 2D होना चाहिए, 3D जैसे यहाँ सॉलिड स्फीयर है तो ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल हो गया, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस काम नहीं करेगा, है ना, वो काम करेगा किसमें, केवल 1D और 2D में। तो आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को क्लियर होगा।